हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अक्सर आपने देखा होगा छोटी मोटी बातों को लेकर एक दूसरे से विवाद कर लेना, खेत से संबंधित विवाद को लेकर एक दूसरे से विवाद कर लेना, या ये कह लीजिए अक्सर गांव देहातों में क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल वे जैसे रास्ते को लेकर, घर जमीन के विवाद को लेकर, खेत के मेड़ी के विवाद लेके, नाली से लेके विवाद लेके, पानी गिराने से विवाद लेके, छोटे मोटे विवादों में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है। और उस लड़ाई झगड़ा के दौरान, गाली गलौज के दौरान, अक्सर किसी न किसी व्यक्ति को गंभीर चोट आ जाती है। कभी कभी स्थितियां ये बन जाती है कि एक दूसरे की मृत्यु भी हो जाती है, अर्थात भाई ना चाहते हुए भी हत्या हो जाती है, आपराधिक मानव वध हो जाता है। तो इन सब में क्या सजा है, क्या पोजीशन रहती है मुकदमे में, किस तरह बेल होती है, आज हम इस सब बातों को डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि नॉर्मल वे में जो धाराएं लगती हैं 147, 148, 149, 323, 504, 506, इन सब धाराओं में ऑलरेडी मेरा एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर इसके अतिरिक्त धारा 452 या 308 जैसी धाराएं, 452 308 आईपीसी की धाराएं अगर उस मुकदमे में दर्ज हैं, तो अभियुक्त को बेल कैसे मिलेगी, सेम डे से क्या राहत मिलेगा, क्या उसकी बेल रिजेक्ट हो जाएगी सेशन से, ये क्या उसकी बेल लोअर कोर्ट दे देगा, इन सब बातों को हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए जो 308 है, धारा 308 आईपीसी, आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न, इसमें मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 7 साल तक सजा है। और एक बात, अगर मान लेते हैं ना चाहते हुए मानव वध हो जाता है, आपराधिक मानव वध का प्रयत्न का मामला है, लेकिन मान लेते हैं कि वो हत्या हो ही जाती है, तो मामला दूसरा बन जाएगा, अर्थात उसमें 302 भी इंक्लूड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। दूसरी बात ये, अगर सिर्फ 308 तक ही मामला सीमित है तो उसमें आपको लोअर बेल देगी नहीं, सेम डे का नियम कानून अप्लाई करना होगा, सेम डे आप लोअर में खारिज कराएंगे, खारिज करने के बाद आप सेशन में बेल फाइल करेंगे और सेशन आपको अंतरिम देगा। कोई जरूरी नहीं है कि बेल आपकी फाइनल हो जाए, अंतरिम बेल पे सेशन दिया करेगा और बाद में आपको वो फाइनल बेल करेगा। सेम डे की प्रक्रिया अगर नहीं मालूम है तो सेम डे का मामला हम ऑलरेडी उसका भी एक वीडियो हमने डाल रखा है, उसमें आप अच्छे से उसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और एक बात, 308 जैसी धाराओं में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अगर थोड़ी सी लापरवाही करेंगे आप तो जाहिर सी बात है आपको जेल जाना पड़ सकता है। और एक बात, 308 की जो धारा है उसमें जब भी कभी बेल फाइल करें तो सेम डे अर्थात ब्रह्म सिंह की एक रूलिंग है उसको साथ में जरूर रखें। और एक बात, दूसरी बात ये कि अगर एक दूसरे से सहमति बन गई है या एक दूसरे दोनों पक्षों में ये राजी बात हो गई है कि भाई ठीक है, अगर किसी तरह से कोई विरोध ना हो, मुकदमे को ख़त्म कर लिया जाए, तो इन सब बातों का एक लाइन जरूर जिक्र कर दीजिए उसमें। और अगर आपका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तो इसका भी जिक्र कर दीजिए। और अगर आपका उस व्यक्ति से अर्थात जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा है, जिसने लिखाया है, ऑलरेडी कभी भी कभी कोई विवाद हुआ है, कभी थाने में कोई FIR दर्ज हुई है, या कभी और कोई मुकदमा चल रहा हो, या पहले भी चल चुका हो, या पहले से दुश्मनी हो, इन सब बातों का डिस्कशन आप अपने बेल में जरूर रखिए। तो हो सकता है अंतरिम के अलावा आपको फाइनल बेल, रेगुलर बेल मिल जाए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। YouTube चैनल SP72 कानून प्रयागराज को जरूर